मुंबई महानगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर लगातार विपक्ष आरोप पे आरोप लगा रहा है। विधानसभा में जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं, और क्या वास्तव में बीएमसी में इतना भ्रष्टाचार है कि और भी दूसरी पार्टियां भी बीएमसी के भ्रष्टाचार को लेकर उसे बाहर निकालने के लिए तमाम तरह के तरीके अपना रही हैं। जी हाँ, मुंबई में उत्तर भारतीय विकास सेना नामक पार्टी ने एक इश्तिहार निकाला है, एक प्रचार का माध्यम निकाला है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप कहीं पर भ्रष्टाचार देखते हैं और आपसे 5,000 की घूस मांगी जाती है तो आपको 50,000 इनाम दिया जाएगा, 10,000 की जो है घूस मांगी जाती है तो 1,00,000 का आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और इस भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक ये पोस्टर की तस्वीर आई जो कि मुंबई के इलाकों में लगाई गई थी, मैंने उसे देखा और इस नंबर पर मैंने संपर्क किया तो पता चला कि ये नंबर है मुंबई के उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सुनील शुक्ला जी हैं उनका। सुनील जी, ये जो पोस्टर मैं देख रहा हूँ, मे भी ये यहीं पर अंधेरी स्टेशन की ये बाहर लगाया गया था, उसके बाद मैंने आपसे संपर्क किया, पोस्टर दिख नहीं रहा यहाँ पे। ये समझ लिए कि डर, महानगर पालिका में जो डर या पुलिस प्रशासन में जो डर है वो दिख रहा है। यह हमारे कोई चाहने वाले ने यहां पोस्टर लगाया था कि कोई भी आपसे रिश्वत मांगे, चाहे वो पुलिस मांगे, बीएमसी मारे, एसआरए मांगे, कलेक्टर मांगे, कोई भी मांगे, उसका हमको इंफॉर्मेशन दीजिए, हम आपको उसका 10 गुना आपको बख्शीश देंगे, रिवॉर्ड देंगे। कारण बताता हूं, कोई भी ट्रैप नहीं लगता। भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो आपको ट्रैप लगाना होगा, आपको उनको आरोपी बनाना होगा, लेकिन लोग डर जाते हैं कि मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है मदद करने के लिए। तो उत्तर भारतीय विकास सेना और हमारे जो वकील है, हमारी पूरी तैयारी है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमको फलाना ऑफिसर ने पैसा मांगा है, घूस मांगा है काम के लिए, हमारे पास आप कॉल करेंगे मेरे नंबर पर, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, और अगर 5,000 रुपया मांगा है तो आपको हम 50,000 रुपया इनाम देंगे 10 गुना, अगर किसी ने 10,000 रुपया मांगा है हम आपको 1,00,000 रुपया इनाम देंगे। लेकिन महानगर पालिका, बीएमसी, पुलिस, एसआरए, कलेक्टर, इन पे जो नियंत्रण रखने का काम एंटी करप्शन ब्यूरो, जो महाराष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी है, अगर वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है तो भ्रष्टाचारी कम नहीं होंगे। मेरे को लगता है जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, और कम से कम आज के तारीख में, ये हमने कल इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आज तक हमको 32 कॉल आ गए हैं कि हमको भैया ये पुलिस वाला, ये बीएमसी वाला, ये एसआरए वाला, ये रिश्वत मांग रहा है, हम क्या करें। वो लाइनअप में है, समय आएगा हम को इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये ऑफिसर को अगर निलंबित हुआ या इस पर ट्रैप लगाए, इसके लिए उत्तर भारतीय विकास सेना का जो हमने एक संकल्प लिया है भ्रष्टाचार खत्म करने का, ये हमारी मुहिम के कारण हुआ है। बाकी आप सब बैनर देख सकते हो, किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं, किसी का कोई त्यौहार के बारे में डाल रहा है, लेकिन यह भ्रष्टाचार खत्म होने का जो बैनर किसी ने लगाया भी, उसको अगर हटाया गया तो ये चीज़ है कि प्रशासन डर चुकी है। और मैं मानता हूँ यहाँ की सब पार्टियाँ, अगर एक सड़क रोड है, उस रोड से यहाँ का विधायक भी गुजरता है, मंत्री भी गुजरता है। मैं मानता हूँ एकनाथ शिंदे जब थाना से मंत्रालय जाते हैं, वो सड़क अगर सही है तो मैं मानता हूँ वो भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन अगर वो सड़क खराब है और उस सड़क से अगर वो गुजरते हैं तो इसका मतलब वो भी लिप्त है, नीचे से ऊपर तक लोग लिप्त है इसमें। पब्लिक भी है, उनसे भी बात करते। भाई साहब, यहाँ पर एक होर्डिंग लगाई गई थी कि अगर आपसे कोई घूस मांगता है आप उसे जो है बताएं, इन्फॉर्म करें और आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ऐसा पर जो है, लेकिन होर्डिंग हटा दी गई, क्या आप एक जनता के तौर पे क्या कहेंगे? लेकिन कौन किसको बारे में बात करेगा, दहशत में लोग है, चारों तरफ अपाचारी पापाचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी फैला हुआ है, ये जंग लग चुकी है, ये इस देश की दुर्भाग्य है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ये जनता है, देखो देखिए, तो ये जो प्रयास चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन में भ्रष्टाचार है, बीएमसी में भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के जो है उत्तर भारतीय विकास सेना जो है इस तरह से एक नया तरीका अपनाया है उसने लोगों तक पहुंचने का, जनता को जागरूक करने का। उस होर्डिंग को जिन लोगों ने लगवाया था उनसे मेरी बात हुई, जो इसका जो जनता तक पहुँचने वाले, उनका कहना है कि इससे साबित होता है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो डर रहे हैं और हमारे होर्डिंग को मुंबई के में जहां जहां पर भी लगाए गए हैं उसे निकाले जा रहे हैं। कैमरामैन सुजीत के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।